हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि आप सिजेरियन डिलीवरी के बाद वर्कआउट कब स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है बिकॉज मैं रेगुलरली वर्कआउट कर रही हूँ, एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कर दी है, तो मुझे बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आपने कब स्टार्ट किया और कब से स्टार्ट करना चाहिए। सो थोड़े से पॉइंट्स हैं, आप वो माइंड में रख के अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है जब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, वो है कि जब आपको आपके डॉक्टर क्लियरेंस दे दे कि आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर वर्कआउट। सिजेरियन डिलीवरी एक मेजर डिलीवरी होती है जिसकी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो आपके स्टिचेस होते हैं वो 6 वीक्स लेते हैं रिकवरी करने के लिए। तो आपके जो स्टिचेस है बाहर से अगर आप देखोगे तो वो अराउंड 10-15 डेज के बाद आपको लगेगा कि वो ठीक हो गए हैं, बट इंटरनली ये काफ़ी टाइम लगता है इसको रिकवर करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ होती है जब आपके डॉक्टर आपको अलाउ करें कि आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, देन ओनली स्टार्ट करें। सेकेंड होता है कि कोई भी आपको हैवी चीज़ नहीं उठानी होती है एटलीस्ट 6-7 मंथ्स तक, देन ओनली आप स्टार्ट कर सकते हो कुछ भी हैवी लिफ्टिंग एंड ऑल। सो सबसे पहली चीज़ है जब आपके डॉक्टर आपको अलाउ करे, आपको परमिशन दे कि हाँ आप वर्कआउट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, देन आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है हाउ आर यू फीलिंग, कि आप मेंटली और फिजिकली कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद आपकी जो बॉडी है, आपके हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं, आपकी बॉडी बहुत चेंजेस के थ्रू जाती है। तो आप कैसा फील कर रहे हो तभी आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है। अगर आपको ये है कि आपको वेट लूज़ करना है और उसके लिए आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई वुड से कि आप जस्ट एक जो वेट है वो एक जस्ट नंबर है, आप वेट को कंसिडर ना कीजिए, जस्ट आप मेंटली और फिजिकली फील कीजिए कि आप वो कैसा फील कर रहे हो। अगर आप एक अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आई वुड से कि थोड़ा टाइम लें, देन आप वर्कआउट स्टार्ट करें। मेंटली और फिजिकली दोनों रेडी होने चाहिए वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है आर यू गेटिंग इनफ रेस्ट और स्लीप, बिकॉज जब आपका सिजेरियन डिलीवरी होता है, एक तो आपकी सर्जरी हुई होती है, आपकी बॉडी बहुत चेंजेस के थ्रू जाती है, बॉडी जो है आपकी काफ़ी वीक हो जाती है। सेकंड, आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, बेबी के स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं, बेबी की बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसके थ्रू जो बॉडी है आपकी उसको रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो इनिशियली फ्यू मंथ्स आई विल से कि थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। आपको कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए कि आपको अभी वर्कआउट स्टार्ट करना है, 2 महीने हुए हैं। हालांकि आप वॉक स्टार्ट कर सकते हो स्लोली, बट बेबी के साथ काम इतना हो जाता है कि हम लोग को बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है। तो आई वुड से कि थोड़ा सा सेटल होना चाहिए ये सब कुछ, उसके बाद आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि 6 मंथ तक आपको पता है कि अब बेबी की क्या रूटीन हो गई है, उसके बाद आप स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट वुड बी स्टार्ट स्लोली, स्टार्ट कीजिए स्लोली। आप वॉक के साथ स्टार्ट कर सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स आप 6 वीक्स के बाद वॉक स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास फैमिली है जो आपको सपोर्ट करती है, प्लस बेबी का ध्यान रखने के लिए फैमिली है, अगर आपके पास टाइम है और आप अच्छा फील कर रहे हो, देन आप वॉक स्टार्ट कर सकते हो जब आपको लगे कि आप ठीक हो। मैंने जो वॉक स्टार्ट करी थी वो मैंने 4 मंथ के बाद स्टार्ट करी थी, क्योंकि मुझे था कि मैं अभी ठीक फील कर रही हूँ, तो मैंने स्लोली 15 मिनट्स के साथ स्टार्ट करी थी। मैंने वर्कआउट में सबसे पहला पार्ट जो ऐड करा था वो वॉक करा था, और वॉक जस्ट स्लोली 10-15 मिनट्स, देन 30 मिनट्स, ऐसे मैंने इंक्रीज करी है। फिफ्थ इज योगा। योगा बहुत ही अच्छा है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे आपका सिजेरियन है, तो आप थोड़े मंथ के बाद योगा स्टार्ट कर सकते हैं। आप जस्ट लाइट योगा से स्टार्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे आपको मेंटली फिजिकली आप दोनों अच्छा फील करोगे। सो योगा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। तो नेक्स्ट इज लाइट वर्कआउट। तो जब मैं 6 मंथ पोस्टपार्टम थी तो मैंने लाइट वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि आप घर पे स्टार्ट कर सकते हो, लाइटली डंबल्स यूज़ कर सकते हो। तो सभी का डिफरेंट बॉडी टाइप होता है, तो आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से लाइट वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि किसी का अपर बॉडी जो है वो हैवी होता है या लोअर बॉडी हैवी होता है, तो आप लाइटली डंबल्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, 1.5 kg डंबल्स ले सकते हैं और घर पे आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। साथ आप चेस्ट वर्कआउट, आर्म्स, शोल्डर वर्कआउट कर सकते हो, क्योंकि जो डंबल्स है वो भी लाइट होंगे, प्लस आपका वर्कआउट भी घर पे हो जाएगा। अगर आप जिम वगैरह जाना चाहते हो देन आप वहाँ पे भी लाइट डंबल्स ही यूज़ करें, लाइट मशीन्स ही यूज़ करें, स्लोली स्लोली इंक्रीज करें। बट मेक श्योर करना है कि आपको कोई लिफ्टिंग नहीं करनी, कुछ हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, बिकॉज जो स्टिचेस होते हैं, जो इंसिजन होता है, वो आपका बाहर से हील होता है, इंटरनली
एक्चुअली इसको काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी मंथ्स तक लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही अपना वर्कआउट, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट इज इंटेंस वर्कआउट। तो अगर आप सोचते हो कि आपको थोड़ा हैवी वर्कआउट करना है, इंटेंस वर्कआउट करना है, देन उसके लिए भी टाइम दे। तो मैंने जो वर्कआउट ज़्यादा प्रॉपर वाला स्टार्ट करा वो मैंने करा था 8 मंथ के बाद में, दैट टू नॉट विद वेरी हैवी लिफ्टिंग, जस्ट 3 kgs 4 kgs मैक्सिमम, इतना ही मैंने स्टार्ट करा है। और उसमें भी मेरा जो वर्कआउट है वो होता है अपर बॉडी और लेग्स वर्कआउट। एब्स जो है वो अभी भी मैं नहीं कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि वो मैं अभी 1 ईयर जब हो जाए उसके बाद ही स्टार्ट करूँ। तो जब आप कार्डियो करते हो तो कार्डियो के साथ आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है, तो कार्डियो आप कर सकते हैं और आप थोड़ा सा डंबल्स वर्कआउट कर सकते हैं, प्लस देर आर सम रेजिस्टेंस बैंड्स जो कि आप घर पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेली बेल्ट। तो जब भी आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है या फिर आपको वॉक स्टार्ट करनी है, चाहे वो डिलीवरी के 3 मंथ है, 4 मंथ है, 5 मंथ है, कोई भी है, तो आप जब भी आपको स्टार्ट करना है आप अपना बेली बेल्ट जो होता है, जो आप सिजेरियन के बाद पहनना स्टार्ट करते हो, तो आप वो पहन के जा सकते हो, क्योंकि उसके साथ आपकी वेस्ट को काफ़ी सपोर्ट मिलती है, काफ़ी हेल्प मिलती है, जिसके साथ कोई पेन वगैरह नहीं होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि उनको कमर में पेन होता है, तो उसका रीजन होता है कि अब भी जो आपकी कमर है वो प्रॉपर रिकवरी नहीं कर पा रही है। इसीलिए ट्राई करें कि बेली बेल्ट जो होती है, वेस्ट बेल्ट जो होती है, आप सिजेरियन के बाद पहनते हो तो वो आप पहन के वर्कआउट स्टार्ट करें, वॉक स्टार्ट करें, उससे बहुत सपोर्ट मिलती है, प्लस आपको पेन नहीं होगा। तो मैंने जब वॉक स्टार्ट करी थी तो मैंने इनिशियली अब 1 मंथ के लिए वो मैंने बेल्ट रेगुलर पहनी है। बेली बेल्ट जो है काफ़ी काम आती है आपकी वेस्ट को, आपकी कमर को और आपके इंसिजन एरिया को सपोर्ट करने में। सो ज़रूर ट्राई कीजिए, कोई भी आप बेल्ट किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, ऑनलाइन सकते हैं। सो ये थे थोड़े से पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कि आपको कैसे वर्कआउट स्टार्ट करना है। स्लोली स्टार्ट करना है, डॉक्टर की परमिशन के साथ स्टार्ट करना है, प्लस वॉक के साथ स्टार्ट करें, और जब आप मेंटली और फिजिकली ठीक हो तभी आप वर्कआउट स्टार्ट करें। ऑल्सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सभी की बॉडी टाइप्स अलग होती हैं, का जो स्टेमिना है, मेटाबॉलिज्म है, वो सब कुछ डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको वर्कआउट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई और कर रहा है और आपको ये सोचना है कि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आप ठीक फील कर रहे हो देन यू कैन स्टार्ट योर वर्कआउट 3 or 4 months। अगर आप ठीक नहीं फील कर रहे हो देन टेक टाइम और 6-7 months के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काम आएगी ये वीडियो, अगर आपका सिजेरियन होने वाला है या सिजेरियन हुआ है और आप वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं। आई कम बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय।